विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कैन नॉट हैव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2। तो इसको चेक कर सकते हैं। देखिए रिंग का तो हो सकता है, रिंग का अगर इन द प्लेन में कर देंगे, इन द प्लेन ऐसे mr स्क्वायर होता है, इन द प्लेन में mr स्क्वायर बाय 2 ये हो सकता है। डिस्क का तो होता ही है mr स्क्वायर बाय 2 इन द प्लेन वाला। सॉलिड स्फीयर का भी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है। तो एक बार को इसकी भी उम्मीद है कि पैरेलेक्स थ्योरम लगा के हम यहां तक पहुंच सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये 0.4, तो मतलब बढ़ने की उम्मीद है। ये मिनिमम है इसका, मतलब मिनिमम वैल्यू से थोड़ा और आगे जाएंगे पैरेलेक्स थ्योरम लगा के तो यहां पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर शेल की बात करें, शेल तो शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी कितना होता है 2/3 mr स्क्वायर। तो देखिए कितना हो गया, ये हो गया 0.5 और ये पॉइंट, मतलब ये ग्रेटर देन है क्या mr स्क्वायर बाय 2 से, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है, ये तो मिनिमम है ना। अब मिनिमम के बाद अब क्या कर सकते हो, शेल में आपकी देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट कब होता है, जब एक्सेस सेंटर मास से पास करता है। शेल में लीस्ट ये है, अब आप कोई भी किसी एक्सेस पे जाओगे तो पैरेलेक्स थ्योरम लग जाएगा, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे ज्यादा ही आएगा, तो आप mr स्क्वायर बाय 2 के पास कभी पहुंच ही नहीं सकते। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या हो गया इसमें, बी, मतलब कहां पे नहीं हो सकता, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज कांट हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आंसर इज बी, क्योंकि इसका तो मिनिमम 2/3 होता है, तो हम 1/2 पे पहुंच ही नहीं सकते।